भी छात्रों, कक्षा 12वीं के बही खाता विषय के अंतर्गत हम अध्याय 7 में अंश पूंजी लेखों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं पूंजी से आशय क्या है। पूंजी किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो धन राशि लगाई जाती है वो कहलाती है पूंजी। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि एकल व्यवसाय में व्यापारी जो है वो अपनी व्यक्तिगत पूंजी को लगाता है, वहीं साझेदारी व्यवसाय में जो है विभिन्न साझेदार हैं वे आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति का रूप होती है, इसलिए यहाँ पर जो है कंपनी की पूंजी जो है वो बहुत सारे लोगों से प्राप्त करके तैयार की जाती है। यहाँ पर जो है देखते हैं हम कि जो व्यवसाय व्यापार की जो पूंजी होती है उसी पूंजी से जो है व्यापार की चल अचल संपत्तियों को खरीदा जाता है, जिससे उद्योग आदि का दिन प्रतिदिन का कार्य चल सके। तो यहाँ पर जो पूंजी होती है व्यापार व्यवसाय उद्योग की, उसी पूंजी के माध्यम से चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर और भी विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां हैं, जो जिनका प्रयोग उद्योग व्यापार व्यवसाय में करके लाभ अर्जित किया जाता है, उन सबको परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए जो है पूंजी का प्रयोग किया जाता है। वहीं व्यापार व्यवसाय के रूटीन के खर्चों के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों को वेतन भुगतान करने के लिए, बिजली बिल के लिए, किराए के लिए और भी विभिन्न प्रकार के जो डेली एक्सपेंडिचर के व्यय हैं जो बार बार रूटीन में होते हैं, उनके लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो है एक कंपनी अपने संचालन के लिए जो है अपनी पूंजी को जो है वो क्या करती है, अंशों में विभाजित करती है। अर्थात कंपनी की जो कुल पूंजी होती है, कंपनी अपनी उन कुल पूंजी के भागों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करती है और यही छोटे छोटे भाग जो है वो अंश कहलाते हैं। यहाँ पूंजी जो है भाई अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है, जिसे अंश पूंजी कहा जाता है। एक कंपनी जो है अपने व्यवसाय में उद्योग के लिए है जो है पूंजी प्राप्त करती है, उसकी पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी होती है और वही छोटे छोटे भाग अंश कहलाते हैं। और ये अंश जो है वो निर्गमन, कंपनी अपनी पूंजी जब बाजार में जारी करती है तो निर्गमन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं अंश पूंजी। पूर्व में बताया था हमने कि अंश पूंजी दो प्रकार की होती है, एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकारी अंश। तो समता अंश जो होते हैं वे अंश होते हैं जो सामान्य अंश कहलाते हैं, अर्थात जिन पर लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है और ये जिनके पास ये अंश होते हैं वो कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। तो ये और साथ ही है ना जो है सभी के भुगतान के पश्चात, सभी के लाभांश देने के बाद, सभी की पूंजी का भुगतान करने के बाद इन्हें लाभांश या पूंजी वापसी का अधिकार होता है। दूसरा अंश पूंजी का जो प्रकार हमने बताया था पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, ये प्रकार की अंश पूंजी होती है जिसमें अंशधारी को पूर्व से ही लाभांश प्राप्त करने का, पूंजी वापस प्राप्त करने का पहले से ही एक निर्धारित दर से अधिकार प्राप्त होता है, तो वो कहलाते हैं पूर्वाधिकारी अंश। तो यहाँ हमने देखा पूंजी क्या है, पूंजी से आशय, और पूंजी की जो कंपनी की पूंजी के प्रकार हैं समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। अब यहाँ जो वर्गीकृत किया गया है कंपनी के अंश पूंजी का, सबसे पहले जो है अधिकृत या पूंजीकृत, पंजीकृत पूंजी, ये जो है अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी। ये पूंजी कौन सी होती है, जब कंपनी स्थापित होती है तो कंपनी की एक निश्चित पूंजी राशि तय की जाती है कि इतनी पूंजी से कंपनी जो है वो प्रारंभ की जाएगी। तो ये जो अधिकतम पूंजी है कंपनी की, जो पार्षद सीमा नियम में दी गई होती है, जिसे कंपनी रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड कराया जाता है। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अंश पूंजी का निर्गमन कर सकती है, पर अधिकृत या पूंजीकृत पंजीकृत पूंजी से अधिक निर्गमन नहीं कर सकती। अर्थात अधिकृत या पंजीकृत पूंजी वह पूंजी है जो कंपनी अपनी स्थापना के समय कंपनी की एक पूंजी निर्धारित कर लेती है, कंपनी इतनी पूंजी से स्थापित होगी और ये पूंजी की मात्रा जो है पार्षद सीमा नियम में रजिस्टर्ड होती है और कंपनी यहाँ पर जो है अपनी उसी पूंजी के अंतर्गत जो है बाजार में पूंजी प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन कर सकती। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बाजार में जो
पूंजी का निर्गमन करता अंश पूंजी के लिए करती कंपनी वो अधिकृत या पंजीकृत पूंजी से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि कोई परिवर्तन करना है तो जो है अधिकृत पूंजी की मात्रा को हम वर्णित प्रावधान में परिवर्तन करके जो है पूंजी की मात्रा को यहाँ हम घटाया या बढ़ा सकते हैं, तो ये कहलाती है अधिकृत या पंजीकृत पूंजी। दूसरा प्रकार जो है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी अर्थात अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तविक रूप से जनता के समक्ष अभिदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बाजार में आम जनता को अंश पत्र खरीदने के लिए जो बाजार में जारी किए जाते हैं वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया यहाँ पर कि एक कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों में विभाजित है। यदि यहाँ पर वो 10 रुपए वाले 50,000 अंशों को निर्गमित करती है तो उसकी पूंजी जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए जो है इसकी वो क्या कहलाएगी, अनिर्गमित। यहाँ पर जो है अनिर्गमित शेष पूंजी जो है वो अनिर्गमित पूंजी होगी। यहाँ जो है अनिर्गमित पूंजी को भविष्य में कभी भी अभिदान हेतु निर्गमित किया जा सकता। तो निर्गमित पूंजी जो है अधिकृत या पंजीकृत पूंजी का वह हिस्सा है जो बाजार में आम जनता के बीच अंश पत्रों के माध्यम से वितरित कर दी गई। तो यहाँ पर उदाहरण में हमने देखा कि यदि अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है जो 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों में विभाजित है, तो जब कंपनी ने बाजार में यहाँ पर जो है सिर्फ 50,000 अंशों को जो है बाजार में जारी किया तो उसके पास जो पूंजी आई वो 5 लाख रुपए, और शेष जो 5 लाख है वो भविष्य में कभी भी अभिदान के लिए जो है वो बाजार में जारी कर सकती है। तो यहाँ निर्गमित पूंजी जो उसकी है 5 लाख और बची हुई अनिर्गमित पूंजी जो है वो 5 लाख, तो ये कहलाती है निर्गमित पूंजी। तीसरा प्रकार जो है प्रार्थित या अविदत्त पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो आम जनता के बीच हमने जो क्रय करने के लिए जारी कर दिया है, तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा खरीद लिया गया है या वह भाग जिसके लिए जनता आवेदन देती है वो प्रार्थित पूंजी कहलाती है। जनता ने आवेदन नहीं किया वो कहलाती है अप्रार्थित पूंजी। यदि संपूर्ण निर्गमित पूंजी जनता द्वारा ले ली जाती है तो प्रार्थित एवं निर्गमित पूंजी एक हो जाती है। यहाँ जो है प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी से अधिक हो तो अंशों का आवंटन निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकता। तो प्रार्थित या अविदत्त पूंजी वह पूंजी कहलाती है कि निर्गमित पूंजी जो बाजार में जारी की यदि जनता ने जो आवेदन उसके लिए दे दिए या उसको परचेज कर लिए तो वो प्रार्थित पूंजी कहलाती है, और यदि जिस भाग के लिए जनता ने आवेदन नहीं किया या नहीं खरीदा तो वो अप्रार्थित पूंजी होगी, और यदि संपूर्ण निर्गमित पूंजी जो है जनता ने यदि आम जनता ने खरीद ली तो प्रार्थित और निर्गमित पूंजी यहाँ पर एक हो जाती है। यहाँ जो है प्रार्थित पूंजी जो है निर्गमित पूंजी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो अंशों का आवंटन जो है निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकता, तो ये जो है प्रार्थित या अविदत्त पूंजी। चौथा जो है याचित या मांगी हुई पूंजी। सभी प्रार्थित पूंजी एक साथ प्राप्त नहीं मांगी जा सकती, ये किस्तों में प्राप्त की जाती है। अंशधारियों से जो है पूंजी जो है एक साथ नहीं मंगाई जाती, वो किस्तों में मंगाई जाती है। आवेदन के साथ फिर कंपनी जब अलॉटमेंट करती उनके आवेदनों को स्वीकृत करती है तो अलॉटमेंट के रूप में राशि, और फिर 2 या 3 कॉलोनी एरियाज के आधार पर जो है प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय या अंतिम याचना के रूप में जो है वो पूंजी को प्राप्त कर ली करती है, तो वो कहलाती है याचित या मांगी हुई पूंजी। अतः प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया जाता है वो याचित पूंजी, और जो नहीं मांगा जाता है वो अयाचित पूंजी कहलाता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए 10 रुपए वाले जो है 50,000 अंशों के आवंटन पर 5 रुपए प्रति अंश ही मांगे जाते हैं, तो यहाँ जो है 2,50,000 रुपये याचित और 2,50,000 रुपये जो है अयाचित पूंजी कहलाएगी। तो याचित या मांगी हुई पूंजी जो आवेदन करने के पश्चात आम जनता से उनसे आवंटन और अलॉटमेंट के रूप में प्राप्त जाती वो याचित या मांगी हुई पूंजी कहलाती है। पांचवा जो है प्रदत्त प्राप्त या चुकता पूंजी, जिसको हम पेडअप कैपिटल बोलते हैं, पेडअप शेयर कैपिटल। तो यहां पर जो है याचित पूंजी का वह भाग
जो अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया गया है प्राप्त पूंजी कहलाती है। कभी कभी कुछ अंशधारी समय पर भुगतान नहीं करते तो ऐसे भुगतान को हम जो अवशिष्ट या बकाया राशि कहते हैं। जैसे कि 2,50,000 रुपए में से 2,00,000 रुपए ही प्राप्त होते हैं तो 50,000 रुपए जो है बकाया राशि कहलाएगी। तो प्रदत्त, प्राप्त या चुकता पूंजी, याचित पूंजी का वो हिस्सा है, वो भाग है जो अंशधारियों द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है तो वो प्राप्त पूंजी कहलाती है। लेकिन यदि कुछ अंशधारियों ने यदि भुगतान नहीं किया अंशों पत्रों का तो ऐसे जो बाकी हैं वो अवशिष्ट या बकाया राशि वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट है संचित पूंजी। जब कंपनी ये प्रस्ताव पारित करती है कि निर्गमित पूंजी का एक भाग अंशधारियों से नहीं मांगा जाए, कंपनी ने जब बाजार में अपने अंशपत्रों को निर्गमित किया, जारी किया और उनके आवेदन प्राप्त हुए और उन्हें स्वीकृत किया, अब यहां पर यदि वो उनसे बाकी पैसा नहीं मंगाती तो पूंजी का एक भाग अंशधारियों से नहीं मांगा जाए जब तक कि कंपनी के विघटन या समापन का समय ना आ जाए, ऐसी पूंजी को हम संचित या सुरक्षित पूंजी कहते हैं। तो संचित पूंजी जो है कंपनी के लिए निर्गमित पूंजी का वह भाग जो आम जनता से प्राप्त नहीं किया गया है, एक निश्चित समय के लिए सुरक्षित करके उसको रखा गया है तो वो कहलाएगी संचित पूंजी। जैसे कि एक कंपनी की निर्गमित पूंजी 5,00,000 रुपए है, अगर ये तय किया जाए कि 1,00,000 रुपए कंपनी के समापन पर मंगाई जाए तो ये 1,00,000 रुपए की राशि जो है वो संचित पूंजी कहलाएगी। यहाँ पर जो निर्गमित पूंजी में 5,00,000 के जो अंशपत्र जारी किए थे सभी प्राप्त हो गए तो यहाँ पर जो है उसमें से 1,00,000 रुपए की पूंजी वाले जो अंशपत्र जो हैं उनको संचित पूंजी के रूप में सुरक्षित रखा गया कि ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको प्राप्त किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर अंश पूंजी के वर्गीकरण है या उसके भाग हैं। फिर अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है कि अंशों का जो है निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। अंशों का निर्गमन, अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत अंश पूंजी को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कंपनी प्रविवरण जारी करती है। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया को जब प्रारंभ करते हैं अंश पूंजी को प्राप्त करने के लिए, सर्वप्रथम कंपनी जो है बाजार में अपने कंपनी के प्रविवरण को जारी करती है। ये प्रविवरण क्या है? प्रविवरण जो है कंपनी की संपूर्ण उसमें जानकारी होती है। इस प्रविवरण के द्वारा जो है कंपनी जनता को अंश को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है या प्रस्ताव रखती है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंशों को खरीदना चाहता है वह प्रविवरण में दी गई सूचनाओं के आधार संलग्न आवेदन में जानकारी भर निर्धारित धनराशि सहित कंपनी के माध्यम से या बैंक के माध्यम से जमा करता है। इस आवेदन पर दी जाने वाली राशि को हम अंश की आवेदन राशि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रविवरण के माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाई जाती, प्रविवरण एक प्रकार की वो पत्र होता है जिसमें कंपनी की संपूर्ण जानकारी, संपत्ति, उसकी दायित्व, संचालकों के, बैंकर्स, अंश ऋण पत्रों के प्रकार व भरने की जानकारी, अंशों की प्रकृति, मूल्य व देय राशि की जानकारी आदि होती है। तो बाजार में अपने अंश को निर्गमन करने के पूर्व कंपनी के द्वारा जो है प्रविवरण जारी किया जाता है। इस प्रविवरण में जो है कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, किस प्रकार के अंश पत्र जारी किए जा रहे हैं, उन पर लाभांश क्या होगा, ये समस्त प्रकार की जानकारी जो है प्रविवरण के माध्यम से आम जनता को जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक अंश पर आवेदन में दी जाने वाली राशि अंश के अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य वाला अंश पत्र है तो आवेदन पर कम से कम उसका 5% हिस्सा से कम नहीं होना चाहिए, या आवेदन की राशि जो है 5% से कम, कुल अंकित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। तो ये अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से अंशों का निर्गमन किया जाता है। अब यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं अंशों का। जब हमने निर्गमन किया तो जो जनरल प्रविष्टि की जाती है अंशों के आवेदन पर की जाने वाली प्रविष्टियाँ, एक कंपनी जब बाजार में प्रविवरण जारी करती है अंश पूंजी को प्राप्त करने के लिए
अपने अंशों का आवेदन को आमंत्रित करती है, तो आम जनता के द्वारा जो है उस कंपनी के अंश पत्रों को खरीदा जाता है, शेयर्स को खरीदा जाता है। तो आवेदन के साथ जो है वो आवेदन राशि भी जमा करता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी जो है 1000 अंश पत्रों को बाजार में 100 रुपये वाले 1000 अंश पत्रों को बाजार में जारी करती है, और यदि यहाँ पर सभी के सभी अंश पत्रों की आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है, यहाँ आवेदन की राशि मान लीजिए उसको 4 भागों में बांटा हुआ है, 100 रुपये के अंश पत्र पर 25 रुपये आवेदन, 25 रुपये आवंटन व 25 रुपये याचना फर्स्ट व 25 रुपये याचना सेकंड। यहाँ अंश पत्र की जो राशि है वो इस प्रकार से 4 भागों में बटी होती है। तो सबसे पहले जब हम आवेदन करते हैं तो आवेदन के साथ जो राशि ड्यू है वो राशि आवेदन के साथ आम जनता जो है कंपनी के पास भेजती है। तो जब कंपनी को आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि प्राप्त हुई तो उसकी प्रविष्टि जो अपनी पुस्तकों में करेगा, आवेदन के साथ रोकड़ राशि प्राप्त होने पर सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट अंश पत्र अंश आवेदन खाता से। अंश आवेदन खाता से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अर्थात अंश आवेदन पत्र से बैंक खाते में इतना अमाउंट आया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आवेदन राशि प्राप्त हुई। दूसरी फिर इसकी प्रविष्टि जो है आवेदन को की रकम को जो है पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, तो यहां पर जो खाता बनेगा अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता डेबिट टू शेयर्स कैपिटल पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। तो यहां पर जो है जो राशि प्राप्त हुई उसको आवेदन के साथ उस राशि को जो है उसने शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट अंश आवेदन खाते में उसने ट्रांसफर किया, जो प्राप्त हुई उसको कहां से, शेयर पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। तो विंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब अंश पत्रों के साथ आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो सबसे पहले कंपनी यहां पर दो प्रविष्टि करती है, आवेदन की राशि रोकड़ के रूप में प्राप्त होने पर और उस रकम को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर। अब यहां पर दूसरी प्रक्रिया जो आती है वो है आवंटन की। अब यहां कंपनी क्या करती है कि जिन अंश पत्रों का उसको आवेदन प्राप्त हुआ अब उनको वो स्वीकृत करेगी, यहां पर उनको अंश आवंटित करेगी अर्थात कंपनी उनके सदस्य बनाने के लिए उनको तैयार होगी। तो यहां पर जो है आवंटन जो है अंशों के आवेदन प्राप्ति उपरांत कंपनी को प्राप्त अंश पत्र जो है आवेदनों को उनके निश्चित मूल्य पर आवेदकों के मध्य बांटना है, आवंटन करना, बांटना है। मान लीजिए कंपनी ने जो है 20,000 अंश पत्र बाजार में जारी किए थे, अब यहां पर 25,000 जनता के द्वारा जो है आवेदन कर दिया गया, तो चूंकि उसकी निर्धारित लिमिट जो है वो 20,000 अंशों तक है तो यहां पर 5,000 जो है उसके पास अतिरिक्त आ गए, तो वो 25,000 में से निश्चित मूल्य पर आवेदकों को बांटना है कि कितने आवेदकों को, किन किन आवेदकों को कितने कितने शेयर अलॉट करने हैं, क्योंकि टोटल 20,000 अंश पत्र उसको जारी करना है। यहाँ अंशों का आवंटन तब तक नहीं किया जाता जब तक कि न्यूनतम आवेदन की राशि प्राप्त नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जो अंशों का आवंटन जो है प्राप्त आवेदनों को स्क्रूटनी करके किन किन को हमें अंश आवंटित करना है उनको छाटना यहाँ पर। तो अब इसके साथ जो जनरल प्रविष्टि होगी आवंटन पर की जाने वाली प्रविष्टि, पहली प्रविष्टि हमने देखी थी कि आवेदन राशि प्राप्त होने, यह आवंटन पर की जाने वाली प्रविष्टि। अब यहाँ पर जिनको हमने आवंटित कर दिए शेयर्स उनकी राशि क्या हो गई, आवंटन के समय ड्यू हो गई, तो उसकी प्रविष्टि जो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंश आवंटन खाता से, अंश आवंटन खाता।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अर्थात आवंटन की राशि ड्यू दे। अब यहाँ पर जब हमने ये प्रविष्टि की आवंटन की राशि ड्यू 20,000 अंशधारकों को जिनको हमने अंश पत्र आवंटित किए थे उनकी हमने यहाँ प्रविष्टि कर दी। अब जब उनसे हमें प्राप्त हुई आवंटन की राशि तो आवंटन राशि प्राप्त होने पर अलॉटमेंट की जो राशि है वो प्राप्त हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अर्थात आवंटन की राशि जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो दूसरी स्थिति जो है यहाँ पर अंशों का आवंटन, तीसरी स्थिति जो है अंशों पर आयाचना। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी अंश पत्र की राशि जो अभी हमें दो भागों में प्राप्त हो गई आवेदन के रूप में, फिर जब हमने उनको अंश आवंटित किए तो दूसरी राशि हमें अंश आवंटन के रूप में प्राप्त हो गई। अब बची हुई जो राशि है वो क्या कहलाएगी? याचना, अंशों पर याचना, जिसको हम फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या लास्ट कॉल भी कह सकते। तो अंशों के आवंटन के बाद जो अंश की राशि मांगी जाती है या जो बकाया राशि मांगी जाती है वह याचना राशि कहलाती है। जैसे पूर्व में हमने बताया कि यदि 100 रुपये का एक अंश है उसमें हमने 25 रुपये आवेदन पर मांगे, 25 रुपये अलॉटमेंट आवंटन पर मांगे, अब बचे हुए 50 रुपये जो है वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पर याचना। तो जो अंश की राशि मांगी जाती है वो बकाया है, ये याचना राशि कहलाती है। अंशों के आवंटन के पश्चात कंपनी कभी भी अंशों की बकाया राशि की मांग कर सकती है। इन अंशों की बकाया राशि को प्रथम याचना, द्वितीय याचना या तृतीय याचना या अंतिम याचना कह सकते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एंड लास्ट कॉल, अर्थात जो अंश पत्र की बकाया राशि बची हुई राशि है वो आवेदन और आवंटन के पश्चात जो बची हुई राशि है उस राशि को मंगाना जो है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या लास्ट कॉल के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर अंशों की याचना पर सारणी आ के अनुसार कुछ प्रतिबंध है जो निम्न है। नंबर एक, संचालक मंडल जो है अंशों की बकाया राशि कभी भी मांग सकती है। कभी भी जो अंश पत्र की बकाया राशि है वो कभी भी संचालक मंडल सदस्यों से मांग सकती है। दूसरा, प्रत्येक याचना पर मांगी जाने वाली राशि के अंकित मूल्य का 1/4 या 25% से अधिक नहीं हो सकती। जैसा कि बताया था कि 100 रुपये का यदि अंश है वो मान लीजिए 25-25 रुपये के 4 भागों में विभाजित है तो 25 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर और यहाँ पर 25 रुपये फर्स्ट कॉल और 25 रुपये लास्ट या सेकेंड कॉल के रूप में हो सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 रुपये का जो अंकित मूल्य वाला अंश पत्र है वो 25-25% के 4 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक याचना पर मांगी जाने वाली जो राशि है वो अंकित मूल्य से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है दो याचनाओं के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए, अर्थात फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। और तीसरा जो है, याचना की राशि मांगने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना अंशधारी को देना होती है। तो ये अंशों पर याचना। अब इससे जुड़ी हुई हम जनरल प्रविष्टि देखेंगे कि याचनाओं पर की जाने वाली प्रविष्टि। सबसे पहला, प्रथम याचना देय होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, प्रथम याचना टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हमने उनसे अंश पूंजी की बकाया राशि जो है फर्स्ट कॉल के रूप में उनसे हमने मांगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट बिकेम ड्यू, प्रथम याचना की राशि दे होने पर। फिर प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो गई हमें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट से जो है प्रथम याचना से जो है हमें बैंक में ये राशि प्राप्त हुई। फिर द्वितीय याचना, अब इसके बाद जो है 75% राशि प्राप्त हो गई, अभी भी 25% राशि द्वितीय याचना के रूप में बकाया है। तो द्वितीय याचना या अंतिम याचना हो सकती है, द्वितीय या अंतिम याचना। यहां शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू होने पर, यहां पर बीइंग शेयर सेकंड कॉल या लास्ट कॉल अमाउंट बिकम ड्यू, तो यहां पर जो है अंतिम याचना की राशि जो है वो दे होने पर। फिर द्वितीय याचना की राशि यहाँ प्राप्त हो गई, अब
कैश में हमें तो बैंक अकाउंट, बैंक में रकम आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड या फाइनल लास्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी की अंश पूंजी जो चार भागों में बटी होती है, आवेदन पर, आवंटन पर, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। तो उससे जुड़ी हुई जो यहाँ पर जनरल प्रविष्टियाँ हैं जो होती हैं, सबसे पहले आवेदन से संबंधित होती हैं, इसके पश्चात आवंटन से, अलाटमेंट से संबंधित, और इसके बाद शेष बची हुई राशि जो है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल या लास्ट कॉल के रूप में अंशधारियों से वापस प्राप्त की जाती है। तो अब अंश पूंजी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है। कंपनी के अंश पूंजी के अधिकृत या पूंजीकृत, पंजीकृत पूंजी तथा निर्गमित पूंजी में क्या अंतर है, फिर प्रार्थित और अविदत्त पूंजी से क्या आशय है, फिर याचित या मांगी हुई पूंजी से क्या आशय है, फिर अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन, आवंटन व याचना को समझाइए, वह इनसे संबंधित जनरल प्रविष्टि बताइए।